खबर आपको दें कि ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये कहा गया है कि डीजी नैब लाहौर मेरे खिलाफ पार्टी बन चुके हैं, मेरे खिलाफ इंक्वायरी नैब लाहौर की बजाय किसी और रीजन से करवा ली जाए। उन्होंने ऐसे इस हवाले से खत लिख दिया है। ख्वाजा साद रफीक ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को खत में ये भी कहा है कि शहजाद सलीम ने मीडिया पर मेरे खिलाफ इंक्वायरी का तस्करा किया है। आपको बताते चले, डीजी नैब लाहौर मेरे खिलाफ पार्टी बन चुके हैं, ऐसा कहना है उनका। मेरे खिलाफ इंक्वायरी नैब लाहौर की बजाय किसी और रीजन से करवाई जाए, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दानियाल राठौर से। जी दानियाल, इस खत के हवाले से अपडेट कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा है मजीद। आज बिल्कुल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने चेयरमैन नैब को खत लिखा है और खत के अंदर यह जिक्र किया है कि जो चेयरमैन नैब लाहौर है, डीजी नैब लाहौर है, उन्होंने वो हमारे खिलाफ जो है वो पार्टी बन चुके हैं। शहजाद सलीम ने मीडिया पर मेरे खिलाफ इंक्वायरी का तस्करा किया है, वो इस वक्त पार्टी का किरदार अदा करना शुरू हो गए हैं। डीजी नैब लाहौर टॉक शो में मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे माहौल में नैब शफाफ तहकीकात करेगा। उन्होंने दरख्वास्त की है कि डीजी नैब लाहौर से। शुक्रिया दानियाल।